गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। फाइनली 3 साल बाद हम दोबारा एक वीडियो शूट करने जा रहे हैं। 3 साल हमारे को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, लेकिन अब फाइनली हम वापस आ गए हैं। और इन दोनों को तो आप जानते ही हो, पहले भी यही होते रहे हमारे साथ एक ब्लॉग में। और आज जिस जगह हम जा रहे हैं वो जगह एक ऐसी जगह है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि दिल्ली के आसपास ऐसी कोई जगह हो सकती है। और टाइम हो रहा है सुबह के अभी 5:30, और हम 3 नहीं आज 4 लोग जा रहे हैं। चौथा अभी आगे मिलेगा, तो जब वो मिलता है तो आपको मिलाता हूँ उससे भी। तो चलते हैं। अब तू चलाने वाला? नहीं भाई, बैठ तो चलो भाई। और आ गए लेट लतीफ सर, इतना वेट कराते हो यार तुम। टांग दर्द हो गई है, कल लैग मारी थी, आज चल के आ रहा हूँ, हालत टूट गई। चलो भाई, चलो भाई, बहुत लेट हो गया। लेके आया, मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। दिखाएं आपको, दिखाओ भाई। भाई ठीक तो है जगह यार, रुको अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से टाइगरी खींच रही, ये देख टाइगरी खींच रही। मैं थक गया भाई, बस टाइगर में होता है भाई। देखो ये जगह तो अच्छी है, थोड़ी मुश्किल है पहुँचना, क्योंकि पैच देखो, ऑफ रोड पैच आ चुके हैं, सारे पाप नीचे रह चुके हैं। थोड़ा मुश्किल है पहुंचना आया था कि व्यू पॉइंट के लिए, क्योंकि अगर आप नीचे रहोगे। जगह तो सुंदर है, सही है, मुश्किल है पहुंचना। इसकी शक्ल देखो, उतरना ज्यादा मुश्किल है। बाइक को पूरा धक्का लगाते हुए आया, क्योंकि ऑफ रोड पैच है पूरा। इतना ऊपर आ चुके हैं भाई, पीछे पूरा देखो, और नीचे तक पूरा जाने का ऑफ रोड पैच है। क्योंकि अगर हम नीचे का देखें, जो नीचे वाले पार्ट था जिसपे हम बाइक राइड कर रहे थे, वो सारे कोई इतनी हाइट पे नहीं है। वो सिर्फ बाइक पे घूमते हुए अच्छा लगेगा, लेकिन वैसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कोई हाइट पे है ही नहीं। वो सिर्फ रास्ता ही ठीक है। वो अगर व्यू देखने तो आपको ऐसे ऊपर ऐसे पैच पे आना पड़ेगा। भाई यार एक बार ऑनेस्ट रिएक्शन दे दो यार इस जगह का। भाई देना, अगर नीचे नहीं उतरे भाई मारियो। व्यू तो अच्छा है यार, इतनी मेहनत करी तो कुछ तो सफल, मतलब बढ़िया व्यू तो मिला ही है। टांगे तोड़वाने ही रहती है, उतारेंगे ना जब देख। चलो भाई अब काफ़ी देर हो गई यहाँ पे। ये जो व्यू देख रहे हो नीचे, ये ढाबे वाला, मैं कटिंग खा लूँ। और ये 2 किलोमीटर ऊपर जो लेके आए हैं रफ बैग से, बाइक ऊपर चढ़ा लाए हैं, निकालने का पता नहीं कैसे निकलेगी। एक दो दो हाथी लेके आ रखे हैं, एक थोड़ी जल्दी पे। दो हाथी से मेरा मतलब था, ये पैच देख रहे हो इधर से लेके आया हम ऊपर, और ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब लगा लो ये तो पता नहीं कहाँ से सीधा है भाई फोन, ये कुछ भी नहीं है भाई। और जैसा कि
लोग बताते हैं यहाँ पे बहुत कुछ है, मज़ा आ रहा है देखने में। पर्सनली देखो मुझे तो कुछ नहीं आया। हाँ चार पांच बढ़िया बढ़िया बाइकें इकट्ठे निकलती हैं, काफिला निकलता है उनका, तो मज़ा बहुत आता है। अब आप देखो गौरव को, अरे इसका नया नाम रखा गया है, कमेंट्स 10,000 कर दोगे तो इसका नाम रिवील कर देंगे क्या रखा नया। देखो अभी बाइक उतार रहे हैं, दिखाता हूँ तुम्हें हमारे पहले उम्मीदवार कंटेस्टेंट नंबर 2। इनको बहुत तेजी है, रेस नहीं है, स्प्रिंट है, स्प्रिंट आराम से। ये भाई पीछे चल रहा है एक्स्ट्रा ब्रेक बुलेट की लेके, वो भाई साहब भाग गए हैं। इनको दिखा देते हैं, वो बहुत आगे जा चुके हैं, अब हमारी लीग से आगे जा चुके हैं, वो फेमस व्लॉगर हैं, क्या करें। ये लोग लगे हैं बाइक उतारने में और मैं मॉर्निंग वॉक पे आऊँ गाइस। क्या है कैजुअली मैं आता रहता हूँ इन सब जगहों पे, इनको बताया नहीं है लेकिन हाँ मैं आ चुका हूँ 100-200 बार यहाँ पे, इसलिए मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। इनका फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम में सबको मज़ा आता ही है। जब तक है जान जाने जहाँ मैं बैठूँगा आप कहते सो मैं ना नाचेगी। ये हम नीचे उतर रहे हैं, मेरी बहुत ज्यादा फट रही है गाइस। भाई सोन तो अपनी बाइक उतरवा रहा है, हमारे साथ जो दोस्त आया था रोहन भाई उनका बाइक उतरवा रहा है, मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा क्लियर हो जाए, स्लोप है ना आज थोड़ा मुश्किल है, ज्यादातर रोक नहीं सकते ये कह रहा है मुझे हेल्प नहीं चाहिए, बट मैं इसके पीछे पीछे चलूँगा क्योंकि गाइस मैं सब सपोर्टिव वैसे। देखो मैं अभी चल के आ रहा हूँ भाई की वीडियो बनाना, और मैं अभी भागूंगा अभी अगर ये भाई साहब से उतरेगी नहीं तो, क्योंकि मैं तो तारी दूंगा तुम्हें पता ही है तुम्हारा भाई कितना बड़ा राइडर है। सिखाई मेरे को इसी नहीं थी लेकिन मैं उतार लेता बढ़िया तरीके से बाइक। गाइस लग रहा है गौरव तो उतार ही लेगा सिंपल से रखते हुए, लेकिन ये देखो पागल के बच्चे हैं यहाँ पे स्पीड में। आवाज अगर तुम लोग आई हो, देखो भाई मैंने उस साइड कैमरा किया था बट मैं भूल गया था कि फ्रंट फेंसिंग है। देखो कुछ भी कहो हर जगह छपरी मिलती है, ये देखो आवाज आ रही है ना तुम्हें, मैं देखना नहीं चाह रहा इन लोगों को ना तुम्हें दिखाना चाह रहा, मैं तुम्हें पता क्यों दिखा रहा, ये सब चीज़ें प्रमोट नहीं करनी चाहिए हवाबाजी। तो हवाबाजी में ना ये कुछ भी करेंगे सामने वाले बंदे की दिक्कत है, और अभी भी कर रहा है बंदा, क्या मज़ा आ रहा तुम्हें। खुद की लाइफ है तो खेल ही रहे हो, सबकी लाइफ के साथ खेल रहे हो भाई, लाइफ के साथ मत खेलो गाइस, इससे कुछ राइमिंग होता तो उससे खेल सकते हो। हाँ अपनी अपनी लेकिन कमेंट करके बताओ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ।
चलो भाई, इस वीडियो को भी ना यहीं पर एंड करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी आपको फीडबैक देना तो कमेंट जरूर करना इस चीज़ के लिए, और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।